दृष्टि पीसीएस के पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी गापी की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में जापान में आयोजित तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में निवर्तमान परिषद अध्यक्ष फ्रांस द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए गापी की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। यह घटनाक्रम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद हुआ है। चलिए जानते हैं गापी के बारे में। गापी का पूरा नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मानव अधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में सहायक एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में गापी में सदस्य देशों की संख्या 25 है। इसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, कोरिया गणराज्य या दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। भारत जून 2020 में गापी का सदस्य बना। गापी साझेदार देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके AI से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने का अपने प्रकार का पहला प्रयास है। इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी आधुनिक अनुसंधान और गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और उपयोग के लिए सहयोगी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से उद्योग, सामाजिक संगठन, सरकार और शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों को एक साथ लाया जाएगा। गापी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य प्रणाली भी विकसित की जाएगी। चलिए नजर डालते हैं गापी और भारत पर। मानव विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत गापी में सम्मिलित हुआ है। भारत ने पिछले साल मई 2020 में नेशनल AI स्ट्रेटजी एंड नेशनल AI पोर्टल लॉन्च किया है। इसका सीधा लाभ मानव विकास और सशक्तिकरण के साथ शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, ई कॉमर्स, वित्त, दूरसंचार आदि क्षेत्रों को मिलेगा। भारत संस्थापक सदस्य के तौर पर गापी में शामिल होने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकेगा। समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के अपने अनुभव का लाभ उठा सकेगा। चलिए अब नजर डालते हैं गापी से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों पर। गापी का एक सचिवालय है जिसे पेरिस स्थित ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD द्वारा संचालित किया जाता है। साथ ही मॉन्ट्रियल और पेरिस में इसके विशेषज्ञता केंद्र भी हैं। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी गापी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। कथन दो है, इसके सचिवालय को पेरिस स्थित ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD द्वारा संचालित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूले। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।